दोस्तों, मैं धनप्रीत सेहत की बात में आपका फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने खाने में ऐसी चीजों को, यानी कि 5 ऐसी सब्जियों को शामिल कर सकते हैं जिससे आपका वजन बढ़ेगा नहीं बल्कि तेजी से घटेगा। कौन सी है ये सब्जियां, चलो आपको बताते हैं। वेट लॉस के लिए सब्जियों का सेवन सुनकर भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन असल में काफी कारगर है। यस, अगर आप ध्यान दें तो वजन घटाने के लिए कुछ सबसे जरूरी चीजों में से एक होता है पेट की सेहत, यानी कि ऑब्वियसली खाना, दूसरा आपका मेटाबॉलिक रेट और तीसरा आपका बावल मूवमेंट। इसके साथ ही शरीर में हाइड्रेशन लेवल, हार्मोनल हेल्थ, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, ये सब भी वेट लॉस का प्रोसेस जो है उस पर बहुत इम्पैक्ट डालती है। ऐसे में अगर आप बस सिर्फ डाइट पर अगर ध्यान दे दें तो मोटापे को आप कई हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आज आपको मैं बताने वाली हूँ 5 सब्जियों के बारे में जिसके सेवन से आप वेट लॉस का प्रोसेस बहुत इजी कर सकते हैं। तो कौन सी है वो सब्जियाँ? सबसे पहले आप खाएं खीरा। वेट लॉस में खीरा काफी कारगर तरीके से आपकी मदद कर सकता है। दरअसल खीरे में पानी की अच्छी मात्रा होती है जो शरीर में हाइड्रेशन लेवल को बढ़ाता है और बाउल मूवमेंट को तेज करता है, साथ ही पेट को हमेशा भरा रखता है और आपकी भूख भी ऐसे में कंट्रोल रहती है। इसके अलावा इसका फाइबर मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और आपकी जो आंत है, यानी कि आपकी जो इंटेस्टाइन है, उसको उसमें जो चिपके हुए फैट को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। सेकंड, लौकी। लौकी वेट लॉस करने वालों के लिए परफेक्ट सब्जी है। इस सब्जी में 90% तक पानी होता है। अब ये मत कहिएगा कि आपको लौकी अच्छी नहीं लगती, आपको अगर वेट लॉस करना है तो आपको ये लौकी खानी ही पड़ेगी। इसके अलावा इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो कि मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और आपकी डाइजेशन में तेजी लाता है। इसके अलावा ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में तेजी से काम करता है जिससे वेट लॉस में आपके मदद मिलती है। नेक्स्ट, ब्रोकली। ब्रोकली में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, साथ ही ये हाई कैलोरी भी होता है, यानी कि इसे खाकर आपका पेट लंबे समय तक भरा रह सकता है। तो कैलोरी बहुत होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वेट बढ़ाएगा बल्कि आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा और आपको भूख नहीं लगेगी। साथ ही इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट वेट लॉस में आपकी मदद करते हैं और इसीलिए इसे वेट लॉस डाइट का हिस्सा बनाया गया है। नेक्स्ट, पालक। पालक खाकर आप सच में अपना वजन घटा सकते हैं। पालक खाकर आपका वजन भी घटेगा, इसमें प्रोटीन वेट लॉस में आपको तेजी से मदद करता है। इसके अलावा इससे जो आपका फाइबर आपको मिल रहा है उससे आपका बाउल मूवमेंट भी अच्छा हो जाता है। तो वेट लॉस के लिए पालक को आप इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे स्मूदी या फिर सैलेड या फिर पालक का सूप, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को आप वेट लॉस डाइट में कई प्रकार से शामिल कर सकते हैं। आप इसे कच्चा खा सकते हैं, आप इसका सूप पी सकते हैं, यानी कि आप पत्ता गोभी को कई प्रकार के तरीकों से सेवन कर सकते हैं। और इसका फाइबर और जो रफेज है ये शरीर में जमा चर्बी को साफ करने में मदद करता है। तो दोस्तों, 5 ऐसी सब्जियां जो शायद आप सुनकर भागते होंगे कि ये कौन खाता है, लेकिन यही वो सब्जियां हैं जो आपके वेट लॉस को, आपके ओबेसिटी को कम करने में मदद करती है। तो ऐसा नहीं है, आप थोड़े दिन का डाइट चार्ट बनाइए जिसमें आप इन सब्जियों को इंक्लूड कीजिए। थोड़े दिन बाहर का खाना ना खाएं, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा कैलोरी बढ़ती है, जैसे कि स्वीट्स या फिर बटर, घी, ये सारी चीज़ें, ये सब कम खाएं जिससे कि आपका वेट लॉस जल्दी जल्दी हो, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी डाइट को जो है वो अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अपनी डाइट का ध्यान रखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही NBT Life को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।